the ends of the latus rectum of the given parabola x-2 whole square minus 6 times of y+1. ठीक है, तो parabola अगर अपन देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, x-2 का whole square x-2 minus 6 times of y+1. ठीक है, तो इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x-2 whole square x-2 whole square minus, ठीक है, minus 4 into ये लिखते हैं अपन यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे minus 6 by 4 into में y+1. ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास ये इस फॉर्म में अपन इस पैराबोला को लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे ये क्या आ गया, ये कैपिटल x स्क्वायर, इसको लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 कैपिटल a और कैपिटल y. ठीक है, तो ये अपन इस तरीके से इसको रिप्लेस करेंगे. ठीक है, यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल x की वैल्यू हो गई x-2 और कैपिटल y की वैल्यू क्या पुट किया अपन ने, स्मॉल y+1 और कैपिटल a की वैल्यू को अपन ने पुट किया यहाँ पे 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2. लेट्स अपन इसके लिए इस पैराबोला के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ए वाई. तो इसके लिए ग्राफ क्या होता है, इसके लिए ग्राफ होता है अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे y एक्सिस हो गया ये. ठीक है, कैपिटल y स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 ए वाई और ये आ जाएगा लेट्स यहाँ पे x एक्सिस. ठीक है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है, लेट्स अपन इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफ हो जाता है किसके लिए, ये पैराबोला अगर अपन देखेंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 ए वाई. इसके अगर अपन यहाँ पे फोकस देखें और लेटस रेक्टम देखें तो लेटस रेक्टम क्या होगा, इस फोकस से पास होगा. ठीक है, ये लेट से यहाँ पे ये क्या होगा, ये फोकस होगा. ठीक है, फोकस होगा यहाँ पे ये, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, माइनस का कैपिटल ए. ठीक है, माइनस का कैपिटल ए. अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अगर अपन देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए ही होगा दोनों जगह पे. वाई कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा, माइनस ए ही होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर अपने पास ए आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2a, -a. ठीक है, 2a, -a और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये आ जाएगा -2a, -a. ठीक है, ये यहाँ पे इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को अपन ए और इस पॉइंट को अपन यहाँ पे बी बोल देते हैं. ठीक है, ए और बी बोल देते हैं. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन देखेंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ पे या 2a, -a और जो पॉइंट बी है लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, -2a, -a. ठीक है, -2a, -a. ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3/2. ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए की वैल्यू 3/2. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, -3/2. ये आ जाएगा यहाँ पे -3, -3/2. तो ये तो आ गया इसके कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को क्या चाहिए, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में. तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ए के लिए कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये जगह कैपिटल एक्स इजकल्स टू x-2 इजकल्स टू 3. तो यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 के इक्वल और कैपिटल वाई इजकल्स टू y+1 इजकल्स टू -3/2 विच मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -3/2, -1. तो यह जगह -5/2. ये यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा, 5, -5/2. सिमिलरली अपन यहाँ पे देखें इसकी लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे x-2, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे -3. तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा -1 और ये कैपिटल y की वैल्यू क्या है यहाँ पे y+1 और ये वैल्यू आ जाएगा -3/2. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -5/2. तो दूसरा लेटेस्ट रेक्टम का जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे -1, -5/2. ये फाइनली इसके लिए लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होंगे 5, -5/2 और -1, -5/2.